दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा। आयुर्वेद ब्यूटी विद नेहा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अनवांटेड हेयर कैसे आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं घर पर, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूं। उसी के साथ ही साथ आपकी डेली यानी रोजमर्रा की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको और भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को प्लीज जरूर लास्ट तक देखें। एंड जो आज मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बता रही हूँ जिससे आप अपने बालों को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, आपके चेहरे पर है, अपर लिप पर है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी यदि हो सके तो पहले आप एक हेयर रिमूवर का यूज करके या फिर वैक्सिंग का यूज करके अच्छे से बालों को पहले रिमूव कर लें, उसके बाद इस नुस्खे को अपनाएंगे तो और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये आपके ऊपर है, क्योंकि यदि आपका बाल हार्ड है फेस का, उसके बाद आप इसको ट्राई करते हैं तो वहां पर रेडनेस या फिर थोड़े बहुत दाने निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये आपकी ऊपर है कि आप इसको किस तरह से ट्राई करना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं, उसी के साथ ही साथ मैं आपको हेयर रिमूवर के लिए और भी छोटे छोटे ट्रिक बताती जाऊंगी, तो आप इनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ सबसे पहले हमें चाहिए लेमन। इसमें से हम लगभग आधा चम्मच नींबू का रस निकाल लेंगे, और यदि बीज वगैरह हैं तो इसको अलग हटा दें। इसमें हम लगभग आधा चम्मच ही डालेंगे चीनी, और लगभग आधा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे शहद। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये थोड़ा चिपचिप होने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन। पहले हम इसमें थोड़ा बेसन डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा बेसन और बढ़ा दूंगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। जब हम इसको अप्लाई करें तो ये स्किन पर अच्छे से चिपचिप होने लगे, क्योंकि यदि आप बेसन ज़्यादा डाल देंगे तो वो एक पैक की तरह गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा और फिर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। अब इसे हमने अप्लाई कर लिया था और ये सूख गया है, चिपचिप कर रहा है। इसको सूखने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक कॉटन की हेल्प से ऊपर की साइड रब करना है। इससे बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी और वो अपने आप ही झड़ने लगेंगे। यदि आपने पहले से रिमूव कर रखे हैं हेयर तो वो वापस आने की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी, और यदि नहीं किए तो वो धीरे धीरे झड़ने लगेंगे। रिमूवल के लिए वैसे तो फेशियल हेयर रिमूवल वैक्सिंग भी आती है मार्केट में, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो उसके लिए आज मैं आपको एक छोटा सा हैक बताती हूँ कि इस तरह का आप बॉडी बैग्स यूज़ करते होंगे जिसमें इस तरह की स्ट्रिप्स आती आती नहीं यूज़ किया है आज तक, तो आप एक बार जरूर यूज़ करके देखें, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेंडली होती हैं, बहुत ही इजी टू वे होती हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देती हैं। यानी 90% तो देती ही हैं, या फिर आप समझ सकते हैं 80% देती हैं। तो यदि आपको ज़्यादा झंझट करना या पार्लर वार्लर जाना पसंद नहीं है, या फिर सडनली कभी भी ट्रैवलिंग में, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इसी से हम आपको एक पहले हैक बताएंगे। तो यहाँ हमने एक स्ट्रिप ले लिया है और अब इसको अच्छे से हम रब करेंगे जिससे इक्वली स्प्रेड हो जाए चारों तरफ। यदि आप इसको विदाउट रब किए इसको कट करते हैं तो ये प्रॉपरली रब नहीं हो पाता है एंड चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसको रब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उसके बाद इसके लगभग आधा आधा इंच के आप इस तरह से स्ट्रिप कट कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप फेशियल स्ट्रिप खरीदने जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे। एंड ये सेम वही काम करता है जैसे कि फेशियल स्ट्रिप काम करते हैं, एंड वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इसका प्राइस काफ़ी कम पड़ता है, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिप में इतने सारे स्ट्रिप रेडी हो गए हमारे, और उसमें टोटल मिला के आई थिंक 8 या 10 ही स्ट्रिप आते हैं 200 रुपये में। अब फिलहाल मैंने अपने फेस के बाल तो रिमूव आपके सामने पहले ही कर लिए हैं, तो मैं आपको हाथ पर अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इसको भी अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। आपकी आईब्रो, जैसे आपको आईब्रो पर या अपर लिप पर है तो आप पहले इसको अप्लाई कर लें, अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच दें, एंड देखेंगे एक ही रिजल्ट में आपके मोस्टली सारे के सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे। यूज़ नहीं करना चाहते हैं और फेशियल हेयर को आप
इमीडिएटली आपको रिमूव करना है तो उसके लिए एक आता है इस तरह का फेस रेजर मार्केट में, एंड ये बहुत ही इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, एंड ये अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट आपको बाहर की कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यदि हम इसको यूज करेंगे तो हो सकता है दाढ़ी मूछों जैसे बाल आने लगे, बट ऐसा नहीं होता है। ये अभी तक जिन लोगों ने भी इसको यूज किया है इसके रिव्यूज काफी अच्छे रहे हैं, तो यदि आप चाहें तो इस तरह के फेस रेजर यूज कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही इजी वे में होता है यूज करना। इसका मैंने एक पहले भी आपको वीडियो दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन पर जरूर। टिप है, कई सारे लोगों के फॉरहेड लाइन एकदम शार्प एंड क्लियर नहीं होती है, बहुत ऊपर नीचे होती है, बाल इतने ज्यादा कम होते हैं, यदि आप कभी भी हाई पॉनीटेल बनाना चाहते हो तो बहुत ही बेकार लगते हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप कोई भी आई शैडो पैलेट ले सकते हैं या फिर कंटोरिंग किट ले सकते हो, उसमें से जो डार्क ब्राउन कलर है, आपके पास ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं है, आप एक कॉटन की हेल्प से थोड़ा सा ले लीजिए, एंड आपको ये वाली जो आपकी लाइन है इसको आपको फिल करना है, और आप यदि हाई पॉनीटेल बना भी रहे हैं और आपके सारे बाल पीछे बैक कॉम हो रखे हैं तब भी आप अच्छे से, या फिर आपका फॉरहेड कितना भी बड़ा है तब भी आप बैक कॉम्बिंग इजीली कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के छोटे छोटे से टिप्स, और ये आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं।